वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अज असी आप जी लई एक बार फिर असी एक ऐसी दस्तार का ट्यूटोरियल लैके आए हैं जिहड़ी कि बहुत रीगल है, बहुत रॉयली दस्तार। जिहड़े वीर मेरे पग बनते भी ने जिन्हें पग बननी भी है, द पटियाला शी पग विद होल डिटेल ट्यूटोरियल विद स्पैशल टीचिंग लैवल्स, जिद पटियाला शी पग बारे असी आप जी होर भी डूंगी जानकारी देवे। वेलकम एवरीवन टू अवर सैकेंड पार्ट ऑफ पटियाला शी पग विद होल डिटेल स्पैशल ट्यूटोरियल। अज असी आप जी नूं दसांगे दूजा लड़ सज्जे पास्यों अते तीजा लड़ खब्बे पास्यों। इस लड़ नूं लाउण लई तुसीं इस ट्यूटोरियल नूं पूरा देखना जी, ध्यान नाल हैडफोन ला के सुणियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। दस्तार की शुरुआत करने लिए सब तो पहले आप जी ने पता होना चाहिए कि तुम्हें कपड़ा कितना लेना। कपड़ा जो साइज है वो तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग होंगे। जिन्हें मेरे वीर 12 तो लैके 19 साल की उम्र तक 5 लड़ों की पग बनना चाहते हैं, उन्होंने दस्तार जी 5.5 मीटर की वधिया रही है। 6 लड़ों की पग उन्होंने 7 मीटर तो 7.25 मीटर की फुल वेल का कपड़ा वधिया रहा। जिन्हें वीर मेरे 19 साल की उम्र तो जिन्हें भी उपर ने, उन्होंने 5 लड़ों की पग हमेशा 5.80 to 6 मीटर की होनी चाहिए है। 6 लड़ों की दस्तार जी है वो 7.5 मीटर की होनी चाहिए है। सिउण वजी होनी चाहिए विचकार। एंड जिनी बारी भी तुम्हें मार्केट जाना है उन्नी बारी आप जी ने फुल वेल का कपड़ा प्योर कॉटन कह के लेना कैमिकल कलर्स में। बेस आप जी ने सेम उस तरीके बनाना है जिमें असी पहले वीडियो जो तैयार किए हुए हैं। बेस आप जी ने मर्यादा का ध्यान रख के ही बनाना है। आप जी ने पहला केसा का जोड़ा गुंद के जूड़ा सिंपल जहाँ सॉफ्ट जहाँ कर लेना। एंड जूड़ा जोड़ा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। सिंपली जूड़ा करके आप जी ने उपर एक पटका बन देना या फिर 1 या 1.5 मीटर की केसकी बन लेनी है, जिस जो सिर जो कवर हो जाएगा एंड प्रॉपरली बेस जो बन जाएगा। सो बेस जिन्ना कंफर्टेबल होएगा दस्तार उन्नी ज़्यादा कंफर्टेबल होएगी। सब तो पहला दस्तार आप जी ने रेडी करना है पूनी करने लिए। उस तो पहला आप जी ने पग नूं पानी दे छिट्टे मारने ने। सब तो पहला असी दस्तार नूं खोल के प्रॉपरली एक एक किनारे तो एंड एक टेबल के उपर रख लवेंगे। एंड हुण असी दस्तार नूं पानी लवेंगे। पानी दस्तार नूं इन्ना क लग्या होना चाहिए है कि दस्तार आप जी की मॉइस्चराइज हो जाए, गिली ना होवे, कहिंदा पाओ सिली होवे गिली ना होवे। इस तरीके नाल आप जी ने पानी दे छिट्टे मारने ने साइड चेंज। एक एक कॉर्नर तो दस्तार नूं असी मॉइस्चराइज़ करना है। पानी जरूरी नहीं कि कोई मिनटी हिसाब नाल आना है, जो दस्तार आप जी नूं लगे कि हर एक कॉर्नर इहदा गिला हो चुका है भाव सिला हो चुका है तो आप जी ने बस पानी लाना बंद कर देना। आप जी देख सकते हो दस्तार पूरी मॉइस्चराइज हो चुकी है एंड पूरी करने लिए रेडी है। पूनी एक ऐसा स्टैप है पग का जिद पग कंट्रोल में आ जाती है, भाव पग की एक तय लग जाती है एंड पग का 60% वर्क खत्म हो जाता है। पूनी करने लिए आप जी ने सब तो पहला कोई भी कॉर्नर राजे की कुंडना एंड या फिर आप जी अपने किसी फैमिली मैंबर भी फड़ा सकते हो कॉर्नर। बट कोशिश यही करनी है कि जेकर आप जी किसी कॉर्नर के उपर दस्तार में बनोगे या किसी दरवाजे के उकना या किसी भी जगह से बनोगे तो ज़्यादा बैटर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट पूनी करनी असी। सो असी हमेशा पौनी जी इंडिपेंडेंट ही करनी है एंड ध्यान ही रखना है कि जी असी धागे वाली साइड है थ्रेड वाली साइड ये लैफ्ट रखनी है एंड पक्की धार वाली साइड ये राइट साइड से रखनी है। दैन असी खिंचांगे इहनूं। सब तो पहला कॉर्नर खिंच के हाथ सामने करके 1 मीटर की दूरी रखनी है। 1 मीटर की दूरी अपनी 100 सेंटीमीटर की होंगी है, 100 सेंटीमीटर की दूरी अपनी स्टिचिंग तक होंगी है। 100 सेंटीमीटर की दूरी रख के एक कॉर्नर अपना राइट हैंड ना खिंच के पिछों छड़ देना।
उस तो बाद एक साइड सिउण तो फड़ के एक साइड लैफ्ट तो फड़नी है एंड खिलार के नू असी एक साइड असी लैफ्ट तो फड़ांगे एक साइड राइट तो दोनों साइड्स वारी वारी फोल्ड कर देवे। सब तो पहले असी खब्बा पासा विच सिकार सुटांगे एंड दैन राइट। इस वे दे नाल दस्तार दी जिहड़ी पूनी है वह लॉक विच आ जाती है एंड पूनी खुलदी नहीं है एंड हल्का रोल करके स्लिप करना। कॉर्नर खिंच के उस तो बाद असी एक साइड राइट तो फड़ांगे एंड एक साइड लैफ्ट तो जिमें नदी के किनारे होंगे ने इस तरीके जी दस्तार है सेंटर में पैक कर देनी है एंड यदि जी विड्थ है वो होनी चाहिए 4 फिंगर्स 4 उंगलों चौड़ाई होनी चाहिए है एंड असी इनू जिगजैग करेंगे। सब तो पहला आप जी ने अपने लैफ्ट हैंड फड़ना है एंड खुली साइड असी सज्जे पास रखांगे वन साइड खब्बे पास रखांगे। फ्रंट तो आके दो लड़ा तो एक अंदरला लड़ हुंदा एक वरवला वरवल लड़ नूं असी अंदर नूं फोल्ड करके इन मोटा कर देना। सो हुण असी इनू अपनी हाफ आई हाफ चीक हाफ ईयर ते लगावांगे। स्टार बनने वेले सब तो पहला ध्यान ये रखना है कि जिन्हें भी लड़ तुम लाने सारे दे विच खुली साइड थले होए एंड वन साइड उपर होए। पहला लड़ सज्जे पास हो खब्बे हाथ नाल खिंच के सज्जे हाथ नाल पूरी प्रॉपर सफाई देनी है। पिंच असी 2 वारी करांगे दो वारी पिंच करना बहुत जरूरी है एंड इस लड़ नूं लगा के असी घूम जावांगे। घूमना इस करके है क्योंकि अज दी पग दी जिहड़ी पूनी है वह खराब ना होए। नैक्सट लड़ तीजा लड़ तीजे लड़ दे विच असी की करांगे पहला लड़ नूं तैयार करना है खुली साइड नीचे वन साइड उपर उपरों कोई भी वट फड़ के अंदर नूं फोल्ड कर देना जिहदे नाल इह लड़ जिहड़ा उपरली साइड तो गोल हो जाएगा एंड साफ हो जाएगा। जिहदे असीं राइट साइड तो पहला लड़ जिथे लगाया होया सी उहदे बिल्कुल नाल लाउणा है एक उंगल दा गैप दे के एक उंगल आप जी ने इस तरीके नाल ध्यान दे के लाउणी है। कब्बे नाल खिचा रखना सज्जे हथ नाल सफाई करनी है एंड राइट साइड तो कंधे कोलों आके कोई भी लड़ते हो कोई वट नूं असीं खिंच लेना जिहदे नाल इस लड़ दी सफाई जिहड़ी वध जाएगी एंड फ्रंट तो आके असीं नोज अते आईब्रो दे बिल्कुल दो सेंटर दे विच पिंच करांगे। दो वारी पिंच करना बहुत जरूरी है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਚ ਮਿੰਟ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਚੁੰਡੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅੰਗੂਠਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਅੰਗੂਠਾ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੈਅ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਫ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਣੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੱਗ ਵਿਦ ਹੋਲ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ 3rd ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ A1 ਟਰਬਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਔਨ ਯੂਟਿਊਬ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਟਰਬਨ .com ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜੀ।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।